नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और एक और स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है LG Velvet। ये LG का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन लाइनअप है, ये पहला स्मार्टफोन है इस लाइनअप का। और वैसे तो ये फोन 7 मई को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, लेकिन आज इस फोन के ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशंस रिवील हो चुके हैं। इस फोन का पूरा डिजाइन रिवील हो चुका है और क्या कैमरा होने वाला है इसमें, किस तरह का दिखेगा ये फोन, क्या फीचर्स है इस फोन के, ये हमारे सामने आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LG Velvet के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में हम आपको उन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे जो अभी तक सामने आए हैं। ट्विटर पे पॉपुलर लीक्स्टर्स एवन ब्लेस और ईशान अग्रवाल, इन सभी ने इस फोन के स्पेसिफिकेशंस पोस्ट किए हैं, स्पेसिफिकेशंस की जानकारी को पोस्ट किया है, तो वो हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। और अगर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 3D कर्व्ड आर्क डिजाइन देखने को मिलता है। बिल्कुल नई डिजाइन लैंग्वेज है ये LG की तरफ से। यहाँ पे इस फोन की जो थिकनेस है वो सिर्फ 6.8 mm है, यानी कि काफी पतला स्मार्टफोन है ये, और इनफैक्ट काफी हल्का भी होगा ये, क्योंकि लगभग 180 ग्राम्स के आसपास इसका वजन होने वाला है। तो ये फोन, वैसे इस फोन की हाइट थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे आपको 20.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, लेकिन इस फोन का वजन काफी कम होने वाला है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर यहाँ बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ इस फोन में आपको मिलेगा 6.8 inches का डिस्प्ले विद 20.5:9 एस्पेक्ट रेशियो, और इस डिस्प्ले को कंपनी ने नाम दिया है सिनेमा विजन डिस्प्ले, यानी कि आपको बहुत ही कमाल का व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये एक OLED डिस्प्ले होगा, हाई रिफ्रेश रेट होगा यानी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे हमें OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। और यहाँ पे दोस्तों, जो डिस्प्ले होगा वो एक कर्व डिस्प्ले होगा, तो डेफिनेटली अगर आपको कर्व डिस्प्लेस पसंद है तो यहाँ पे LG आपके लिए कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेकर आ रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर मिलेगा, और पिछली बार जो लीक आई थी उसमें ये पता चला था कि 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज मिलेगी आपको, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्टोरेज एक्सपेंशन का भी सपोर्ट मिलेगा। अगर ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट हुआ तो काफी अच्छी बात हो गई है, और क्योंकि स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर है इसलिए ये एक 5G स्मार्टफोन है। यहाँ पे अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे आपको मिलता है एक 48 megapixel का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 48 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 5 megapixel का कैमरा सेटअप होने वाला है ये एज पर द लीक्स, और जो सेल्फी कैमरा है वो 16 megapixel का होगा। अभी सेंसर डिफाइंड नहीं है, सेंसर कौन सा होगा ये हमें नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली सोनी IMX586 ही होने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो 4300 mAh की बैटरी होगी इस फोन में, और चार्जिंग के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि एटलीस्ट आपको 18W का चार्जर तो मिलेगा ही इन द बॉक्स। और दोस्तों, क्योंकि ये एक LG स्मार्टफोन है, सो इट गोज विदाउट सेइंग कि यहाँ पर आपको हाईफाई क्वाड डैक का भी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 3.5 mm जैक आपको मिलेगा इस स्मार्टफोन में। और LG के स्मार्टफोन्स तो खैर जाने ही जाते हैं अपनी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के लिए, ऑडियो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है LG के स्मार्टफोन्स पे। मैं सोनी इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि काफी हद तक ये फोन सोनी जैसा दिखाई देता है, सोनी एक्सपीरिया लाइनअप जैसा दिखाई देता है। एनीवे, यहाँ पे एक और चीज अच्छी है कि आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिलेगी इस स्मार्टफोन पे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और LG के जो प्रीवियस स्मार्टफोन्स हैं उनमें हमने एक MIL STD यानी कि मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड देखा है, यानी कि ये काफी हद तक ड्रॉप रेजिस्टेंट होते हैं, तो यहां पर भी हम यही ड्रॉप रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं LG Velvet स्मार्टफोन्स में। तो दैट्स इट गाइस, ये थे LG Velvet के स्पेसिफिकेशंस, और काफी सारे स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं विद स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर। अभी हमने Xiaomi का Mi 10 Youth Edition स्मार्टफोन देखा, उससे पहले Realme X50M लॉन्च हुआ है, which is definitely going to launch as Realme X3 in India। तो काफी सारे स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं विद स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर, और हमें लगता है कि इन सारे स्मार्टफोन्स का जो प्राइस ब्रैकेट होगा दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 20,000 to 30,000 रुपीज इन इंडिया। आपका क्या कहना है इस बारे में ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशंस पसंद आए हैं और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।